और आज हम बातचीत करेंगे लॉयड लग्जरीज के मैनेजमेंट से, जो मेंस ग्रूमिंग के कारोबार में तो है लेकिन धीरे धीरे इन्होंने विमेंस के लिए भी सेगमेंट में काम करना शुरू कर दिया है। बातचीत हम किससे करेंगे, हमारे साथ मैनेजमेंट के दो लोग हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और डायरेक्टर कृष्णा गुप्ता जी, साथ ही मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणय डुकानिया हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी लगी जब मैं इसको पढ़ रहा था, तो चूंकि जिस सेगमेंट में है बड़ा बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट लगा और एक नए तरीके का सेगमेंट है जो लिस्टिंग के लिए आया है। तो कृष्णा जी, पहले तो आप मुझे बताइए कि ये जो लॉयड लग्जरीज है, ये मेंस ग्रूमिंग में हम लोग काम करते हैं, तो किस तरीके का काम है, क्या करते हैं आप लोग? तो हम एक एक्सपीरियंस देते हैं सब कस्टमर को। हमारा ब्रांड लंदन का ब्रांड है और हमारा फ्रेंचाइज इंडिया के लिए है। हमारा सिग्नेचर एक्सपीरियंस है 45 मिनट का शेव, तो एक पूरा एक्सपीरियंस है स्टार्ट से लेके फिनिश तक, जो कोई और प्रोवाइड नहीं करता है खाली मेन के लिए। और हम सब ग्रूमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हेयर कट, शेव, मैनिक्योर, पेडिक्योर, बाकी सब भी। और हमारे पास प्रोडक्ट्स भी है जो 100 प्रोडक्ट से ज्यादा का रेंज है, जो कोई दूसरे ब्रांड के पास नहीं है मेन के लिए खाली। ओके, 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और बहुत सारी मेंस ग्रूमिंग की सर्विसेज हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है। और ट्रूफिट एंड हिल की फ्रेंचाइजी है इंडिया के साथ साथ सब कॉन्टिनेंट के भी एक आध देशों में। प्रणय, ये जो ट्रूफिट एंड हिल है बड़ा प्रोमिनेंट ब्रांड है और इंडिया में तो आपको कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है जिस सेगमेंट में आप प्ले कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपने बिल्कुल डोमिनेंस बना लिया। बिल्कुल, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो हमारा आज के डेट में कोई कंपटीशन नहीं है। कुछ यूनिसेक्स सैलॉन्स हैं जहाँ पे बेसिकली मेन सर्विसेज देते हैं, बट जब भी हम फ्लोर पे विजिट करते हैं और जब भी हम हमारे कस्टमर्स से मिलते हैं, तो हमारे कस्टमर्स कहते हैं कि मैं जब भी किसी और यूनिसेक्स स्टोर में जाता हूँ तो वहां पे मुझे ड्रायर्स की बहुत आवाज कंटिन्यूस सुनाई देती है, तो वो मेरे लिए एक रिलैक्सिंग एटमोस्फियर नहीं होता है। बट मैं जब भी ट्रूफिट में आता हूँ तो यहाँ पर आके मेरी जो सर्विसेज है आरती उसको अच्छी तरह से आप लोग करते हैं और एक बहुत रिलैक्सिंग एटमोस्फेयर भी मुझे मिलता है। और सिमिलरली हमारी जो मेनी बड़ी सर्विसेज हैं, जब भी कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर्स हमें बताते हैं कि आपकी जो मेनी बड़ी सर्विसेज हैं उनको जो यूनिसेक्स स्टोर है उसमें बहुत शर्म आती है कि वो अपने जो ट्राउजर्स और शर्ट्स को जो है ऊपर करके बैठे, बट हमारे यहाँ पर आके वो एकदम कंफर्टेबल नहीं जो है मेनी बड़ी सर्विसेज करवाते हैं। इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, हालांकि बड़े प्रीमियम स्टोर्स में लोग अब कहाँ शर्म वरम करते हैं, प्रणा सर तो चाहते हैं यूनिसेक्स में जाए। एनीवे, खैर ये बताइए कि कहाँ कहाँ स्टोर्स हैं और कितने स्टोर्स आपने खोले? अच्छा, बीच में एक लंबा दौर पैंडेमिक का बड़ा था, तो क्या असर रहा उसका? सो पैंडेमिक में जैसे सारे बिजनेसेस सफर कर रहे थे, हम भी सफर कर रहे थे क्योंकि कस्टमर फुटफॉल नहीं था और हमारा जो बिजनेस ऑपरेशन है लार्जली वो फिक्स कॉस्ट का बिजनेस रहता है। हमारे हम रेंट पे जो है स्टोर्स खोलते हैं और हमारा जो एम्प्लॉयज है, क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो एम्प्लॉयज ही हमारे जो है रॉ मटेरियल है बेसिकली, सो हमारा फिक्स कॉस्ट का बिजनेस रहता है। तो हम भी सफर कर रहे थे, अगर आप हमारा लास्ट 2-3 साल का फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 2019-20 में हमारे को जो है 28 करोड़ का रेवेन्यू था और हमारा 3 करोड़ का हमारा लॉस था। समाओ हमने 2020-21 में इसको मैनेज किया क्योंकि कोविड था, इस बोल के हमको बहुत कंसेशन हर जगह मिल रहे थे, इस बोल के हमारा जो रेवेन्यू है वो काफी गिरा था और लॉस जो है हम 3 करोड़ पर ही कैप कर पाए थे। 2021-22 में हमारा जो है फिक्स कॉस्ट रेंट्स वगैरह जो हमको पहले कंसेशन मिला था 2020-21 में, वो हमको कुछ भी नहीं मिला और हमारा रेवेन्यू जो है वो काफी लो था 2021-22 में। उसका रीजन क्योंकि कस्टमर आ नहीं रहे थे, कोविड का फियर था, तो उस बोल के हमारे 2021-22 के अंदर लॉस जो है थोड़ी बढ़ गए। बट अभी हम जो है कॉन्फिडेंट हैं कि इस साल से, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो कस्टमर्स नहीं आ रहे थे लास्ट 2 साल से, वो सब कस्टमर्स जो है वापस से आना चालू किया है उन्होंने, तो अभी गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक थिंग्स विल गो इन द नॉर्थ डायरेक्शन। परफेक्ट। और अब तो खैर काफ़ी इंप्रूवमेंट, मैं देख रहा था कि 2022 में रेवेन्यू आपने अच्छे से पिकअप कर लिया है और जैसे जैसे समय बढ़े करेंगे। कृष्णा जी बताइए, हम लोग इस कंपनी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, दर्शकों के लिए बता दूं कि इसकी लिस्टिंग होने वाली है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि लिस्टिंग तो हो ही जाएगी खैर, और डेट भी बता दीजिएगा और आगे की जो लिस्टिंग आपने की उससे जो फंड रेज होगा उसका क्या इस्तेमाल करेंगे और नए प्लान्स क्या रखे हैं आपने?
तो मेन चीज हम थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड करने वाले हैं। आपने पहले पूछा था कि किधर किधर लोकेशंस है। अभी हमारे 27 लोकेशंस है टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, और हम ये साल में 4 और दुकानें खोलने वाले हैं। सब काफी शहरों में स्प्रेड हुआ है ये, बॉम्बे दिल्ली बैंगलोर हैदराबाद अहमदाबाद गुड़गांव नोएडा कोलकाता। अभी हम चेन्नई और अलग अलग शहरों में भी खोलने वाले हैं। तो वन मेन थिंग इज कि हम नए दुकानों में इन्वेस्ट करने वाले हैं, और उधर से हमारा काफी ग्रोथ होने वाला है। आप आपके खुद के स्टोर तो हैं ये, साथ ही आप सब फ्रेंचाइज भी करते हैं, तो आपके और सब फ्रेंचाइज के मॉडल में डिफरेंस क्या है? मतलब जो जो फ्रेंचाइजी आपसे ले रहा है उसको क्या क्या करना पड़ता है? सब कुछ उसका है, आप केवल उससे रॉयल्टी लेते हैं या आप भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं? नहीं तो हम उनको पूरा ट्रेनिंग देते हैं। हमारे ऑफिस में हमने एक ट्रेनिंग सेंटर खोल के रखा है, तो जो भी फ्रेंचाइज लेना चाहता है पहले हम पूरा बैकग्राउंड देखते हैं कि उनको ये बिजनेस में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट होने के बाद वो ये चला सकते हैं कि नहीं। उनको पूरा इन्वेस्टमेंट करना है एक दुकान खोलने में, टाइम इन्वेस्टमेंट करना है समझने में कि कैसे बिजनेस चलता है, और मार्केटिंग में पूरा इन्वेस्ट करना है कि कैसे लोगों को अंदर लाए। हमारा लुकआउट है कि ये ब्रांड ट्रूफिट एंड हिल के स्टैंडर्ड से चलता है। मेन चीज जो है, क्योंकि ये सर्विस ब्रांड है तो एक्सपीरियंस कस्टमर को सेम होना चाहिए। या तो फ्रेंचाइज आउटलेट में आए या तो कॉर्पोरेट आउटलेट में आए, वो कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा मेन लुकआउट है कि ट्रेनिंग और क्वालिटी कैसे हम सेम लेवल पे रखें। तो इसलिए हम सब एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं हमारे स्टोर्स में या हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, और हम उनके साथ हर महीने हर क्वार्टर हर 6 महीने हर साल में अलग अलग रिव्यू करते हैं, और बहुत ऑडिट्स और बहुत अलग अलग चीज करते हैं ताकि हम मेंटेन कर सकते हैं कि क्वालिटी सही हो। तो इसीलिए फ्रेंचाइजीज हमारे पास आते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ट्रूफिट एंड हिल ब्रांड के नाम से क्वालिटी सब जगह सेम ही होता है। नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चूंकि रीट्रेन करना प्रणय, चूंकि हम लोग भी जब जाते हैं तो एक एक लॉयल्टी बन जाती है हमारी ना, कि फलानी जगह हमको बाल कटाने हैं, वहाँ पे शेव ठीक करानी है या कुछ और भी कराना है, तो एक लॉयल्टी बनती है। तो जो ट्रेंड मैन पावर आपको चाहिए, तो जिसको आप रीट्रेन करते हैं, क्या इतने स्किल्ड लोग अवेलेबल हैं कि आपके लिए, मतलब चूंकि जिस तरह का आप प्रीमियम सेगमेंट प्ले करते हैं? नहीं देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि वर्ल्ड ओवर इन इंडियन स्टाइलिस्ट जो हैं उनको बहुत अच्छा कंसिडर कहा किया जाता है स्किल लेवल पे। पर हम क्या करते हैं, हम इन लोगों को पिकअप करते हैं और हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में हमारे प्रोसेस के हिसाब से हम इनको फर्दर ट्रेन करते हैं। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अब ये हमारे प्रोसेस के हिसाब से ट्रेन हो गए हैं, फिर हम इनको फ्लोर पे डालते हैं। तो आप चाहे किसी भी स्टोर में जाएं, चाहे कलकत्ता के स्टोर में, चाहे गुड़गांव के स्टोर में, जो सर्विस लेवल और सर्विस क्वालिटी जो है वो आपको एग्जैक्टली सिमिलर मिलेगी, क्योंकि हम इंश्योर करते हैं कि एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ट्रेनिंग उनको दी जाए, और जो इफेक्टिवनेस हमको उनसे चाहिए वो हम बेसिकली देखें कि वो वैसा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। बस हम सेटिस्फाई होते हैं उससे, उसके बाद ही हम इनको जो है फ्लोर पे डालते हैं। ओके प्रणय, क्या रिटेनर प्लान्स भी होता है आपका? क्या कि क्लाइंट जो भी आया एक बार फिर वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहे, और या रजिस्ट्रेशन करते हैं आप, कैसे कनेक्ट करते हैं उनके साथ, या रैंडम लोग आते हैं आपके देखिए, नहीं मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मेंबरशिप का। तो यहाँ? जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारी रॉयल मेंबरशिप जो है 82,000 रुपीज उसकी प्राइस है। वन फुल ईयर में जो भी कस्टमर है वो हमारे किसी भी स्टोर में जाके सर्विस ले सकता है। सिमिलरली हमारी क्लासिक मेंबरशिप है जो कि 70,000 कॉस्ट है जिसका, वो मंडे टू फ्राइडे किसी भी स्टोर में कहीं पर भी हमारे 26 लोकेशन जो इंडिया में है वहां जाके वो सर्विस ले सकता है। तो ये जो एक चीज हमने चालू की है, इससे हम देख रहे हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो बहुत ऑफन विजिट करता है हमारे को, और ईयर ऑन ईयर हम देख रहे हैं कि कस्टमर का रिटेंशन जो है बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि कस्टमर को पता है कि मैं कहीं पर भी जाऊं मुझे एक तो सर्विस मिलेगी, दूसरी सेम क्वालिटी और सेम लेवल की सर्विस मिलेगी। थर्ड है पेड सर्विसेज, जो कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि जिनको ये मेंबरशिप में इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इतना ट्रैवल नहीं करते हैं। तो उनके लिए वो पेड सर्विसेज अवेलेबल है, वो कभी भी आते हैं, वो हमारा जो सिस्टम है वो अपॉइंटमेंट लेके आने का सिस्टम है, तो वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, आते हैं और सर्विसेज लेते हैं, और
फिर वो बेसिकली जाते। ओके प्रणय, आप लोगों ने बताया कि आप प्रोडक्ट भी बेचते हैं, तो वो आपके स्टोर्स के थ्रू ही बिकते हैं या ऑनलाइन भी मिलते हैं? नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं ऑनलाइन में मिलते हैं, हमारे स्टोर्स के थ्रू भी बिकते हैं, और अब हम लोग दूसरे रिटेल फॉर्मेट्स के थ्रू भी जा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स के डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अब हमने सोचा कि हमारे को उधर भी एक्सपैंड करना चाहिए। तो फ्यूचर में हमारा एक्सपेंशन का एक रूट वो भी है। देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा आपको कि हम जो है आज के दिन में प्रीमियम सेगमेंट में है, या आप ये बोल सकते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो एस्पिरेशनल कस्टमर है। तो आज के डेट में हम जैसे नेक्स्ट 4 ईयर्स में हमारा जो टारगेट है वो हम 60+ स्टोर, 66 के आसपास के स्टोर हम खोलना चाहते हैं। बट ये क्या हर जगह हर टाउन में हम खोल पाएंगे? नॉट नेसेसरली, आज के गिवन करेंट आज के जो सिनेरियो उसके हिसाब से। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जो है इंग्लैंड में बनते हैं। इसमें प्रोडक्ट्स के अंदर जो है मिनिमम केमिकल्स जो है यूज किया जाता है, और ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है हर टाउन में, हर छोटी सिटी के अंदर जो है ये प्रोडक्ट्स पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमने वो ऑनलाइन भी चालू किया है, और धीरे धीरे हम हमारा जो प्रोडक्ट का रीच है वो बढ़ा रहे हैं। तो आपको छोटी सिटीज, छोटे टाउन्स में भी जितने भी वहां पर रिटेल आउटलेट्स हैं दूसरे ब्रांड्स के, जो कि इन जो कि बेसिकली ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, हम सून आपको वहां पर भी दिखेंगे। ओके अच्छा, दर्शकों की जानकारी के लिए कुछ नंबर्स मैं बता दूं। जो बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया था कि जो बीपीसी है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट का मार्केट है, पर्सनल केयर का, उसमें $8 बिलियन की एस्टिमेटेड मार्केट है, और बीपीसीपी जहां पे प्रोडक्ट भी शामिल हो जाता है वो करीब करीब $26-27 बिलियन का है, जो कि $37 बिलियन 2025 तक पहुँच जाएगा। तो स्कोप बहुत बड़ा, और इसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिसमें ये जाने की कोशिश करें। 12-13 से 15-17% की CAGR के हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जिसमें ये लॉयड लग्जरीज प्ले कर रहा है। अच्छा, चूंकि आप अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में हैं, आपका कोई कंपटीशन नहीं, और आपका क्लाइंटेल हुज हु और स्टार्स और ये सब भी होंगे, तो क्या आप लोग ऐसी सर्विस देते हैं कि भाई को मैं स्टोर नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे घर पर आ जाओ आप, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, देखिए, हाँ वो नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे कृष्णा ने बताया कि ये पूरा एक्सपीरियंस जो है वो हम उनको घर में प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम वो आज के डेट में नहीं करते। ऐसा कोई प्लान है क्या, मान लीजिए और ज्यादा प्रीमियम पैसा देने के लिए तैयार हो जाए वो, कि और ज्यादा ले लीजिए मुझसे आप, लेकिन घर पे आ जाइए? अभी आज के डेट में तो प्लान नहीं है, बट ये एक अच्छा सजेशन आइडिया है जो कि हम सोचेंगे। कृष्णा, कुछ आप इसमें ऐड करना चाह रहे थे? अरे भाई, मान लीजिए कोई बहुत ही सुपर अल्ट्रा नीचे वो कह रहा कि भाई मेरे घर पे आ जाओ, मैं आ नहीं सकता, टाइम नहीं है, या मैं आना नहीं चाहता, और जो भी आप चार्ज करते हैं आप अपना 20-30% और ज्यादा चार्ज करिए, क्या दिक्कत है इसमें? हमारा, आप पूछे थे लॉयल्टी के बारे में, तो लोग प्रूफिट एंड हेल्प पे आते हैं ब्रांड के लॉयल्टी के ऊपर, वो टेक्नीशियन या जो सर्विस करते हैं उनके लॉयल्टी के ऊपर नहीं। तो लोगों को पसंद होता है कि बाहर आए, हमारे दुकान पे आए और उधर सर्विस ले। हम बहुत कस्टमर से मिलते हैं, उनके वाइफ से मिलते हैं, उनके फैमिली से मिलते हैं, वो बोलते हैं कि जब जब मुझे पता नहीं होता कि वो किधर होता है, 1-2 घंटा वो समझ में आ जाता है कि वो ट्रूफिटनर में है, क्योंकि सो इंटरेस्टिंग, ट्रूफिटनर में वो रिलैक्स हो जाते हैं, कोई भी बाहर का आवाज नहीं है, कोई भी फोन नहीं है, कोई भी ईमेल नहीं है। तो लोगों को पसंद होता है कि बाहर आए और ट्रूफिटनर में जाए, तो इसीलिए हम वही पुश कर रहे हैं, इसीलिए हम ज्यादा दुकानें खोल रहे हैं, ताकि आपके घर के पास 5 साल में सब जगह ट्रूफिट एंड हिल खुलने वाला है। ओके, तो ट्रूफिट एंड हिल में जाइए और एक्सपीरियंस करिए, सिर्फ वाली नहीं कटाना, एक्सपीरियंस भी लेना वहां पे। एक आपने मैरी कॉर के साथ भी 10 साल की मास्टर फ्रेंचाइजी ली है, जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन है, जो फ्रेंच ब्यूटी सैलून है, इसके बारे में थोड़ा बताइए प्रणय। हाँ, तो ये अभी हमने, जैसे आपने बोला कि ये हमारा जो ट्रूफिट एंड हिल है वो मेल के लिए है, तो हमारे को बहुत डिमांड आ रही थी फीमेल रिलेटेड भी, तो हमने ये मैरीकॉर का फ्रेंचाइज जो है साइन अप किया है। ये भी पूरी ग्रूमिंग सर्विसेज में है फॉर अ फीमेल, और 2019 में हमने साइन अप किया है। अभी हमने हमारा फर्स्ट स्टोर जो है खार, जो कि बॉम्बे में है, वहां इसको लॉन्च किया है। अभी हम इसका जो है बिजनेस मॉडल सेट कर रहे हैं, एक बार हमारा ये बिजनेस मॉडल सेट होगा तो हम इसको रोल आउट करेंगे। बट ये भी लार्जली विमेन रिलेटेड ग्रूमिंग सर्विसेज है इसके अंदर, इसमें सब कुछ है बेसिकली, विमेन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड जो भी इश्यूज है, स्किन रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते हैं, नेल्स रिलेटेड जो भी चीजें विमेन को चाहिए, सब कुछ हम इसके अंदर कवर करेंगे।
ये तो मतलब क्या इसमें आप कुछ मेडिसिनल या ब्यूटी मेडिसिनल सिस्टम भी रखते हैं नहीं क्या? ये ब्यूटी मेडिसिनल नहीं है कुछ हाँ भी इसमें जो है ये पूरा जो है हमारा नॉन इन्वेसिव है, ये मेडिसिनल वाला कुछ भी नहीं है। बट मैरीकॉर एक वर्ल्ड का बहुत पुराना ब्रांड है और ये अगेन 60 कंट्रीज के अंदर है, ये 1700 सलोन आउटलेट्स के अंदर है वर्ल्ड ओवर, तो सॉरी 17,000 सलोन आउटलेट्स में है वर्ल्ड ओवर। तो ये जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं दोज आर 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स, आई शुड मैं बताना चाहूंगा। तो ये उस साइड में नहीं है, मेडिसिनल साइड में नहीं है, बट ऑन अ डे टू डे बेसिस जो क्रीम्स वगैरह रहती हैं जो कि यूज करती हैं आजकल में फीमेल्स, और ये बेसिकली हमें बोला कि पूरा 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स है। और आपके पास 2043 तक की फ्रेंचाइजी है इसकी ट्रूफिट एंड हिल की, जो कि श्रीलंका, भूटान, वियतनाम, म्यांमार और बांग्लादेश, नेपाल सब जगह है। इसमें कहाँ कहाँ स्टोर खोल लिया आपने? बिल्कुल, अभी हमारा एक स्टोर है ढाका में, अभी हमने खोला है, और बाकी जो भी कंट्रीज आपने बताया है उसमें अभी हम खोलने की तैयारी में है, सून आपको वहां भी पता चलेगा कि हमने खोला है। ओके, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में है, और मेंस की ग्रूमिंग साथ साथ अब विमेन में भी आ गए हैं, तो अच्छा है, दोनों लोग एक साथ घर से निकलेंगे और बढ़िया। नीरज जी, आपने एक्सपीरियंस किया कि नहीं ट्रूफिट को? सर हम तो वो नीम के पेड़ के नीचे बाल कटवा लेते हैं सर, 100 रुपये में, 50 रुपये में। अल्ट्रा प्रीमियम में मैं नहीं गया हूँ कभी। जाएंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने बनाया है। तो छोटी कंपनी है, SME प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगी, उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, लेकिन एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। और सबसे अच्छी चीज इसमें कि बहुत लंबे समय की इनके पास फ्रेंचाइजी है दोनों ही की, तो जिसकी वजह से एक बिजनेस मॉडल सेफ बनता है, और सब फ्रेंचाइजी भी ये कर रहे हैं, इसलिए एक्सपेंशन में और इनको